इंडिया के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो वो जो टीज़र वाला वीडियो था जिसमें आपने देखा होगा कि किया कार्निवल का कैसे डिलीवरी के टाइम ही एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो वीडियो एक्चुअल में BMC HD वीडियोस करके एक पेज है उनका है, तो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है वो वीडियो बनाने के लिए। और उस टीज़र को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, 10,000 व्यूज़ हो गए हैं, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। BMC HD वाला वीडियो था, उसमें मैंने देखा कि किया जो थी वो ऑटोमेटिक कार थी, और मुझे शायद लगा कि कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिक के चक्कर में ही उसका एक्सीडेंट हुआ है, शायद वो ड्राइव या किसी ऐसे मोड में चली गई गलती से जिससे कि वो आगे जाके दीवार पे हिट हो गई। मेरे पास भी एक ऑटोमेटिक कार है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए कि बेसिकली ऑटोमेटिक कार्स के साथ क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है। होता ये बहुत कन्वीनियंट है, बस कुछ चीज़ें हैं जिनको जानना ज़रूरी है, और उसके बाद इसे चलाने में बहुत मज़ा आता है और बहुत कन्वीनियंट रहता है। तो सबसे पहले ऑटोमेटिक चलाने का गोल्डन रूल यही है कि जो राइट पैर है उसी से आपको ब्रेक दबाने या फिर उससे एक्सेलेटर दबाने। इसके लिए लेफ्ट पैर का यूज़ कई लोग करते हैं, कई लोग ऐसे चलाते हैं जिनको पता नहीं होता है, एक से ब्रेक दबाते हैं, एक से एक्सेलेटर, एक से ब्रेक, एक से एक्सेलेटर। तो ये आपको नहीं करना है, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा ये लेफ्ट पैर है ये क्या है, मैनुअल कार्स में हम इसे क्लच दबाते हैं, तो जब हम क्लच दबाते हैं तो पूरी फोर्स से दबाते हैं, और अगर उसी फोर्स से किसी ये ब्रेक आपने लगा दिया, इतनी ज़ोर से अगर आप ब्रेक लगा देंगे चलती गाड़ी में तो आपकी गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन जो पीछे वाला टू व्हीलर है या गाड़ी है, ट्रक है, वो बिल्कुल संभल नहीं पाया, क्योंकि ब्रेक इतनी ज़ोर से लगेंगे कि गाड़ी कुछ आई थिंक सेकेंड्स में ही रुक जाएगी। और मान लीजिए आपने 60 की स्पीड पर इतनी ज़ोर से ब्रेक लगा दिया तो एक्सीडेंट होना पक्का है ही। तो ये एक गोल्डन रूल है इस ऑटोमेटिक को चलाने का, अपना पैर यहाँ पर रखिए, लेफ़्ट वाला पैर, यहाँ पे डेड पेडल बोलते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे रखिए और बस ब्रेक दबाइए और एक्सीलेटर दबाइए, कुछ उसमें गियर वगैरह तो चेंज करने हैं नहीं। तो ये सबसे आरामदायक फीचर मुझे लगता है, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक्स्ट्रा तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो इसको चलाने के लिए डिफरेंट मोड होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा PRNDS। पी मतलब हो गया पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स। तो ब्रेक और एक्सीलेटर आपने समझ लिया, तो अब इसे देखते हैं कि इसे चलाना कैसे है। जैसा कि मैनुअल कार्स में हम करते हैं कि हम पहले क्लच दबा के गियर डालते हैं और फिर हमारी गाड़ी जो है वो रोल होने लगती है, तो सेम इसमें भी है, पहले हमको ब्रेक दबा के रखना है और ब्रेक दबा के रखने के बाद ही हमें ये जो गियर है इसको पी से डी में लेके आना है। अगर ब्रेक हम नहीं दबाएंगे तो सेफ्टी के वजह से यहाँ पे एक लॉक आपको दिख रहा होगा, ये लॉक रहता है, आपका गियर जो है वो मूव होगा नहीं। तो डी मोड में डालने के बाद ब्रेक पर से पैर हटाइए और कार जो है वो अपने आप रोल होने लगेगी। इसके बाद जितना एक्सीलेटर आपको दबाना है दबाइए, गाड़ी उतना तेज जाती जाएगी, गियर कम ज़्यादा करना गाड़ी अपने आप करती रहेगी, इसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ब्रेक और एक्सीलेटर और स्टीयरिंग आपको मैनेज करना है। अब गाड़ी चलाते हुए आपको स्पीड बढ़ानी है या किसी को ओवरटेक करना है तो आपको एक्सीलेटर पूरा दबाना होगा, जिससे गाड़ी समझ जाएगी कि आपको स्पीड बढ़ानी है या पिकअप लेना है, वो गाड़ी उस हिसाब से आपको गियर डाउन करके पिकअप देगी। तो पहली गलती हम क्या करते हैं कि इसको डी में या किसी और मोड में हम बंद कर देते हैं बटन से, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो सकता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो गाड़ी है पी मोड में, ठीक है, ऑन है, और मुझे इस गाड़ी को पार्क करना है, तो मान लीजिए मैंने इसे कर दिया डी में, और अभी ये गाड़ी जो है वो डी मोड में आ चुकी है, और मैं इसे भी बंद करता हूँ, दिखाता हूँ। तो आपने एक वार्निंग जैसा कुछ साउंड सुना होगा, और बेसिकली यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है, तो ये यहाँ पे कह रहा है, ये गियर शिफ्ट का नॉब है, इसे कह रहा है कि पार्किंग में डालिए। तो भाई लेकिन मैंने नहीं डाला पार्किंग में, मान लीजिए चला गया और अब मैं वापस आता हूँ गाड़ी के अंदर,
तो क्या हुआ? तो क्या ये स्टार्ट होगी? नहीं होगी। आप कितना भी इसको कर लीजिए, चाहे आप ब्रेक पे पैर रख के इसको स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये नहीं होगी। एज अ सेफ्टी फीचर मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये जब तक नहीं होगी जब तक मैं इसे पी में नहीं डालूँगा। यहाँ पे देखिए आपको दिखाता हूँ, ये वार्निंग दे रहा है, नहीं होगी ये स्टार्ट एज अ सेफ्टी फीचर। तो इसके लिए क्या करना होगा, वापस से इसको पी मोड में ही डालना होगा। ये पी में हो गई गाड़ी और अब देखते हैं स्टार्ट होती है क्या। देखिए बड़े आराम से स्टार्ट हो गई। ये गलती नहीं करनी है, मतलब ये गलती हम करते नहीं हैं, कभी कभी हो जाती है। कि दूसरी गलती जो हम करते हैं ना, कि इसे पी मोड में ही छोड़ के चले जाते हैं, पार्किंग ब्रेक जो है ये लगाते नहीं है। तो पार्किंग ब्रेक लगाना यानी हैंड ब्रेक लगाना और पी मोड में काफ़ी डिफरेंस है। पी मोड में क्या होता है, ट्रांसमिशन में जो छोटी सी पिन होती है वो लॉक हो जाती है, तो उससे आपका गियर मूव नहीं करता आगे, तो गाड़ी वहीं पर रहती है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो छोटी सी पिन जो है वो अगर आपने स्लोप में पी मोड में छोड़ दी, तो वो सारा इम्पैक्ट गाड़ी का जो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पुल या पुश हो रहा है वो सह लेगी। हो सकता है वो पिन टूट जाए तो आपका खर्चा और बढ़ जाएगा। तो हमेशा रिकमेंडेड है कि इसे हैंड ब्रेक लगा के छोड़ें। और ये मिस्टेक क्या करते हैं कि कई बार ढलान पे गाड़ी जारी होती है, उसे हम कर देते हैं डी से एन में। ऐसे उसमें नहीं करते मैनुअल गाड़ी में कि यार गाड़ी चल रही है तो हमने ढलान पे जा रही है तो हम इसे न्यूट्रल कर दें, फ्यूल बच जाएगा। एक तो वो मैनुअल में भी रिकमेंडेड नहीं है, दूसरा ऑटोमेटिक्स में तो है ही नहीं बिल्कुल भी रिकमेंडेड कि आप इसे चल ढलान पे डी में इसे एन पे कर दें। उससे फ्यूल तो बचेगा, ठीक है वो इतना बचेगा कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही मार्जिनल फ्यूल उससे बचता है। और आजकल जो गाड़ियां हैं वो इतनी हाइट है कि अगर वो उनके अंदर सेंसर वैले ही होता है कि अगर गाड़ी ढलान पे है तो वो वैसे ही अपनी सेटिंग्स को चेंज कर लेती हैं। और बट इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर आपने इसे कर दिया डी से एन पे ढलान पे, और मान लीजिए एक तो आपकी गाड़ी का कंट्रोल आपके ऊपर नहीं रहेगा, ढलान पे भी मान लीजिए कभी ऐसा होता है ना कि यार एकदम से रेस देनी पड़ गई, कुछ कुछ भी हो सकता है, उसके कुछ कहा नहीं जा सकता। और दूसरा जब आप ढलान पे से पहुंच गए, अब आपको चाहिए वापस रेस देना, और तब अगर आपने इसे डी करा तो जो गियर्स हैं वो आएंगे फर्स्ट गियर में, और वहाँ पे जो आपका एकदम से इम्पैक्ट पड़ेगा गियर बॉक्स पे, वो आपके गियर बॉक्स को परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है। तो ये चीज़ एक और है जो ऑटोमेटिक्स में ध्यान रखने की ज़रूरत है। मिस्टेक और हम करते हैं जब हमारी गाड़ी चल रही होती है और डी मोड में होती है और हमने कहीं रोक ली गाड़ी साइड में, तो हमें कई बार ध्यान नहीं रहता है, हम ऐसे ही उतर जाते हैं। तो अगर डी मोड में छोड़ के हैंड ब्रेक लगा हुआ नहीं है, हम ब्रेक छोड़ के उतर गए, तो गाड़ी आगे चल जाएगी 5 की स्पीड से। फिर आगे जाके कुछ भी हो सकता है, दीवार में भिड़ जाए, किसी और गाड़ी में भिड़ जाए, या फिर खाली सड़क हो तो और अलाइनमेंट सही हो तो हो सकता है जाती जाए। तो ये चीज़ भी ऑटोमेटिक्स में ध्यान रखने की बात है। और ये डी में और आर में दोनों में, आर में पीछे जाती जाएगी और इसमें आगे। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप भी कार लेना के सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिक को आप प्रेफर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अगला वीडियो जल्द ही बनाने वाला हूं, जो कि है चाइनीज कार्स के ऊपर। और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, और भी अलग अलग तरह के कंटेंट इस चैनल पे आता रहेगा। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। तो ये जो रिव्यू सिस्टम है मैं वो मैंने 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे बनाई है। तो पहला जो पैरामीटर है वो है ड्राइविंग। ड्राइविंग में मैंने ऐसे पॉइंट्स ही ले किए, जैसे कि हैंडलिंग कैसी है, कॉर्नरिंग कैसी है, सस्पेंशन या फिर ब्रेक्स कैसे है, उसके मुताबिक मैंने उसको स्टार रेटिंग दी। दूसरा पैरामीटर है इंजन। तो इंजन का क्या पावर है, टॉर्क है, स्पीड क्या है, उसके हिसाब से मैंने उसे स्टार रेटिंग दी। ये जो स्टार रेटिंग है वो मैंने आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग पे अपना जो भी व्हीकल है उसका वीडियो बना के भेजिए, और हम उसे फीचर कर देंगे अपने अगले वीडियो में। बस इसी के साथ अब हम वीडियो पे चलते हैं। आई थिंक काफ़ी हद तक इसके प्रोपोर्शंस मुझे BMW 5 सीरीज जैसे दिख रहे हैं,
और इसका फ्रंट की अगर बात करें तो इसका जो स्टांस है वो काफ़ी बोल्ड है, ड्यूअल प्रोजेक्टर्स के साथ, नीचे LED DRLs और बीच में Hyundai की एक बोल्ड ग्रिल यहाँ पे देखने को मिल रही है।